नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वारंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वारंट एक कानूनी आदेश होता है जिसे जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस को आरोपी व्यक्ति को पकड़ने, उसके घर की तलाशी लेने, उसके घर को जब्त करने और अन्य कदम उठाने के अधिकार मिल जाते हैं। यदि पुलिस अदालत से अनुमति लिए बिना यह कार्य करती है तो इससे उस नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। अतः वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को ही होता है। एक वारंट निर्लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है, जिसमें जारी करने वाले अधिकारी की मुहर, नाम और पदनाम के साथ में जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है उसका नाम और जिस अपराध के लिए जारी किया जाना है उस अपराध का नाम उस पर लिखा होता है। वारंट मामले जो जारी किए जाते हैं, वारंट जारी किए जाते हैं वो साधारणतया जो 2 वर्ष से अधिक कारावास के मामले होते हैं, मृत्यु दंड के मामले होते हैं और जो आजीवन कारावास के मामले होते हैं उनमें जारी किए जाते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में वारंट की चर्चा या वारंट का वर्णन है। CRPC 70 के अधीन वारंट की अवधि बताई गई है। कोई भी वारंट जब किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो यह वारंट उस समय तक जब तक कि उस न्यायालय के अधिकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे रद्द नहीं किया जाता वो प्रवर्तन में रहता है, या जब तक कि उसका निष्पादन नहीं हो जाता वह तब तक वह प्रवर्तन में रहता है। इसी प्रकार CRPC की धारा 71 में कोर्ट को स्वविवेक के आधार पर अगर आरोपी कोर्ट में आकर के किसी नियत समय पे वो पेश होने का वचन देता है और इसके लिए वह बॉन्ड भरता है तो कोर्ट अपने स्वविवेक से उसे जमानत पर छोड़ देता है और ऐसा करने के लिए उसको अनुमति दे देता है। इस प्रकार वारंट न्यायालय के लिए ब्रह्मास्त्र है। जमानती वारंट की तय तारीख को अगर आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो उसे गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस को सीधे तौर पर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर उस तिथि को भी आरोपी आने की जिससे वारंट जारी किया गया उपस्थित नहीं होता है तो पुलिस को उसे उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। और इस प्रकार जिस स्थानीय पुलिस पर वारंट दिया किया जाता है, तामील किया जाता है, इसमें उस वारंट को तामील कराने के लिए समस्त पुलिस महकमे की जिम्मेदारी बन जाती है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।